महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सोम तीर्थ पर स्थित जलपेश्वर महादेव 84 महादेवों में 66वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सुबाहु, शत्रुमयी, जय विजय तथा विक्रांत जैसे पराक्रमी पुत्रों का पिता राजा जल्प वानप्रस्थ अवस्था को अनुभव कर अपने राज्य को पांचों पुत्रों में विभाजित करने के बाद तपस्या हेतु प्रसिद्ध हुआ। इस बीच सबसे छोटे पुत्र विक्रांत ने तंत्र शक्ति के माध्यम से एक कृत्या को उत्पन्न किया, जिसने उसके सभी भाइयों, पुरोहितों, सेवकों आदि का नाश कर दिया। सबका नाश होने के कारण विक्रांत एक छत्र राजा बन बैठा। यह बात वन में तपस्यारत राजा जल्प को मालूम पड़ी तो वह उद्गिन हो उठे। राजा ने तपस्या को बीच में ही छोड़ वशिष्ठ मुनि के पास जाकर उनसे इस कष्ट से निवृत्त होने का उपाय पूछा। वशिष्ठ मुनि ने उसे महाकाल वन स्थित परशुराम जी द्वारा स्थापित एवं पूजित इस दिव्यलिंग की उपासना करने को कहा। जल्प ने वैसा ही किया, जिसके प्रभाव से वह असार संसार से मुक्त हो गया तथा उसे सदा शिव की अनन्य भक्ति भी प्राप्त हुई। इसकी पूजा से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।